दोस्तों, आप जो मशीन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मॉसफेट मॉडल की मशीन है। इसमें जो कस्टमर बोल रहा है कि ओसी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसे चेक करेंगे आज कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे इसे चेक किया जाता है। तो इसे मैं चालू करता हूँ पहले। अब इस मशीन को मैं चालू करता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ओसी बता रहा है। ओसी में होता यह है कि मशीन पूरी चालू रहती है लेकिन वो वेल्डिंग नहीं कर पाती है, तो इसको हम आज सॉर्ट आउट करेंगे कि ये ओसी किस कारण आ रहा है, इसका पता लगाते हैं। मल्टीमीटर में आपको मैं चेक करके बताता हूँ इसका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है आउटपुट में। देखिए, कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि ओसी में वोल्ट आउटपुट करंट कुछ भी नहीं आ पाता है। चलिए दोस्तों, आज इस पर हम काम करते हैं। इसे मैं पहले स्विच ऑफ कर देता हूँ। इसका पावर भी धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है क्योंकि ओसी बता रहा है। नॉर्मली अगर मशीन वर्किंग होती तो इतना टाइम नहीं लगता डिस्चार्ज होने में, इसलिए थोड़ा अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें दोस्तों। काम करने से पहले काफ़ी रिस्की रहता है। ओसी के जो कारण रहता है दोस्तों, ये टॉप कार्ड के फॉल्ट के कारण भी होता है और नीचे के डायोड कार्ड जो रहती है, मिडिल कार्ड जैसे बोलते हैं, उसमें भी हो सकता है। मिडिल कार्ड में दोस्तों, अगर डायोड में अगर फॉल्ट है तो ओसी शो होता है, और इसी डायोड कार्ड में तीन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, अगर उनमें कोई फॉल्ट होता है तो भी ओसी शो होता है। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऊपर जो मॉसफेट बोर्ड रहती है, इसमें अगर मॉसफेट कोई फॉल्ट है तो ओसी आएगा, या फिर इसमें कोई आईसी वगैरह में अगर कोई दिक्कत है तो फॉल्ट आएगा। तो चलो दोस्तों, हम इसे चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। इसे मैं कंटिन्यूटी रेंज में सेट करूँगा और इसमें बीप साउंड को ऑब्जर्व करूँगा इसके आउटपुट टर्मिनल पर। जैसा कि आपको साउंड नहीं आएगा, लेकिन देख सकते हैं कि इसमें कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे ये तो कन्फर्म हो गया है कि डायोड में इसके कोई फॉल्ट नहीं है। अब बचा क्या, ट्रांसफार्मर और मॉसफेट। तो मॉसफेट को चेक करने के लिए ऊपर टॉप कार्ड में जो ये 16:8 वाली जो हमारी कार्ड होती है, इसको हम मल्टीमीटर के थ्रू चेक करते हैं। वहाँ पर भी अगर बीप साउंड आता है तो इजीली हम पता कर सकते हैं कि मॉसफेट में फॉल्ट है। मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ कहाँ पर मल्टीमीटर से आपको ऑब्जर्व करना है। मेरे पास वीडियो के लिए एसेसरी नहीं है, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैं इसे खुद ऑब्जर्व करूँगा कि इसमें मॉसफेट में फॉल्ट है या नहीं है। जब तक मैं मॉसफेट चेक कर रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं। मैंने इसे चेक कर लिया है, मॉसफेट में कोई फॉल्ट नहीं है। अब इसका ट्रांसफार्मर बचा हुआ है लास्ट पार्ट, इसलिए ट्रांसफार्मर फॉल्ट चेक करने के लिए मैं इसकी पिंस को एक एक करके निकालूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैक और रेड वाली जो केबल है ट्रांसफार्मर की है, इसे मैं कम्प्लीटली चेक करने के लिए इसे पूरा रिमूव करूँगा और उसके बाद फिर इस मशीन को चालू करूँगा। पिन मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं इसे सीरीज़ में चालू करूँगा और मशीन को अब चालू करूँगा मैं। देखिए आप, ओसी बिल्कुल हट चुका है, तो इससे यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि इसमें ट्रांसफार्मर का ही फॉल्ट है। अब ट्रांसफार्मर इसमें दोस्तों तीन लगे रहते हैं, तीन ट्रांसफार्मर के 6 वायर होंगे, तो अब कैसे पता करें कि कौन सा ट्रांसफार्मर फॉल्ट है? उसकी एक ट्रिक है, ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब इस ट्रिक को मैं आपको आपके सामने लाऊँगा। डायोड कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डायोड जिसके सब ओके हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही मल्टीमीटर से चेक किया था कि बीप साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सब बचा है सिर्फ अब ट्रांसफार्मर के 6 वायर है। इन 6 वायर में से हम एक एक करके इसके वायर निकालेंगे और बार बार मशीन को चालू करके चेक करेंगे कि ये ओसी किस ट्रांसफार्मर के फॉल्ट के कारण हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे वायर को रिमूव करना है और कैसे इसको लगा के वापस चेक करना है। देखिए, मैंने इसका एक वायर निकाल दिया है। अब मैं इस प्लग को पूरा लगाऊंगा इस मशीन के अंदर और इसको एक सीरीज़ में ही पावर सप्लाई दूंगा। दोस्तों, हमेशा सीरीज़ में ही आपको मशीन चेक करनी है, वो काफ़ी सेफ़ तरीका होता है, नहीं तो मशीन को आप डैमेज कर सकते हैं। ये मैंने इसे सीरीज़ दी है, अभी भी ओसी नहीं हटा है, मतलब कि जो हमारा फॉल्ट वाला जो ट्रांसफार्मर है वो अभी भी इस मशीन के अंदर कनेक्टेड है। तो मशीन को मैं फिर से बंद करूँगा, इसे बंद होने के लिए इंतज़ार करूँगा क्योंकि डिस्चार्ज नहीं होगी ईज़िली। फिर अब मैं क्या करूँगा, जो वायर मैंने निकाला है उसके जस्ट पास वाला वायर निकालूंगा और उसके अल्टरनेट वाला को वापस लगा दूंगा, यानी कि मेरी प्रोसेस को रिवर्स करके मिडिल वाले वायर को अब मैं निकालूंगा। देखिए मैं कैसे इसको कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब मैंने बीच वाला वायर को निकाल रखा है और जो पहले निकाला था उसको वापस लगा दिया है। फिर से मैं इसमें पावर सप्लाई दूंगा सीरीज़ के थ्रू और फिर अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ओसी हटा है या नहीं हटा है। ये देखिए, मैंने इसे पावर दी है। ओहो, देखिए अब ओसी बिल्कुल हट चुका है, यानी कि ये हमारा कंफर्म है कि जो मिडिल वाले वायर का जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा फॉल्ट में है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, उससे मार्क करेंगे, जिस ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है उसके वायर को मार्क ज़रूर कर दीजिए। अब मैं मल्टीमीटर पे आपको एक बार वो चेक करवा दूंगा कि इसका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरा जो मल्टीमीटर है वो सीरीज़ मोड में है, इसे मैं पहले वोल्टेज मोड पर लाता हूँ।
डीसी वोल्ट आपको चेक करना है, और आप देख सकते हैं कि इसमें स्क्रीन पर 60 वोल्ट के अप्रोक्स मुझे आ रहा है, यानी कि मशीन हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। आप ऐसे भी इस मशीन को चलवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ का पैसा लेते हो तो उसका काम ज़रूर करके दीजिए। इसको और बारीकी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे आप हमें क्या करना है। जैसे कि इसके ट्रांसफार्मर की जो ये प्लग है हमारा, इसमें इसको मार्क कर दीजिएगा, और जो वायर हमने बाहर निकाल रखा है, इसके दोनों वायर अल्टरनेट में निकलेंगे। ट्रांसफार्मर के जो वायर रहते हैं वो अल्टरनेट रहते हैं, यानी कि पहला रेड वायर पहले ब्लैक वायर से कनेक्ट रहता है, मिडिल वायर से रहता है, और लास्ट वाले वायर से कनेक्ट रहता है। तो इससे आपको क्या करना है, इस कार्ड को रिमूव करना है और इस ट्रांसफार्मर को सोल्डर के थ्रू निकाल कर नया ट्रांसफार्मर लगाना है। दोस्तों काम अच्छा करोगे तो कस्टमर आपके पास हमेशा आएगा, ट्रस्ट बना रहेगा। मैं इसे रिमूव करूंगा ट्रांसफार्मर को, आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता कि ट्रांसफार्मर कैसे रिमूव कर रहा हूं। इसलिए आपको इसे रिमूव करना है, सोल्डर करना है और मशीन को रिपेयर करके कस्टमर को देना है। आपका धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप देख सकते हैं मशीन वर्किंग कंडीशन में है और वो वेल्डिंग भी कर रही है।